पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्रीय जांच एजेंसियों के विरोध करने की वजह अब धीरे धीरे सामने आ रही है। ममता क्यों चाहती थी कि उनके राज्य में सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियां प्रवेश न करें। इन सब के बीच शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला था। ममता बनर्जी को पता था कि अगर शिक्षक भर्ती घोटाले की सच्चाई तो उससे टीएमसी के कई बड़े नेता नपेंगे, लेकिन ममता की तिकड़मबाजी धरी की धरी रह गई और शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी ने टीएमसी की काली सच्चाई को उजागर कर दिया। ममता की पार्टी टीएमसी जो शुरू में पार्थ चटर्जी के बचाव में सामने आई थी और केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, लेकिन पार्टी को मुसीबत में देख ममता बनर्जी ने बाद में अपने रुख में बदलाव किया और पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार का कितना बड़ा खेल बंगाल में चल रहा था, इसका अंदाजा पार्थ की बेनामी संपत्तियों से लगाया जा सकता है। हालांकि पार्थ चटर्जी, ममता बनर्जी और इस खेल की मोहरा अर्पिता चटर्जी की मुश्किलें इतने से खत्म नहीं होने वाली है। अधिकारियों ने अर्पिता मुखर्जी के कम से कम 5 बैंक अकाउंट को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन बैंक खातों से ईडी को करीब 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, अर्पिता मुखर्जी द्वारा संचालित कई शेल कंपनियों से जुड़े अन्य बैंक खाते भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। ईडी ने यह भी बताया कि पार्थ चटर्जी अर्पिता को अपने साथ लग्जरी कारों में ले जाते थे, वो अक्सर महंगी गाड़ियों में घूमा करते थे। उन्होंने ये भी बताया है कि दोनों पार्टियां भी किया करते थे। वहीं ईडी अभी अर्पिता मुखर्जी के महंगी कारों को तलाश रही है। ईडी ने दावा किया है कि सभी गाड़ी 2016 से 2019 के बीच खरीदे गए थे। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान ये भी सामने आया कि चटर्जी ने कथित तौर पर 2 और गाड़ियां बुक की हैं, जिसके लिए पहले भुगतान भी किया जा चुका है। वहीं अभी तक अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट्स की तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा सोना और दूसरी कीमती सामान भी फ्लैट से मिले हैं। हालांकि ईडी की कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। ईडी को शक है कि इस खेल में पार्थ, अर्पिता के अलावा टीएमसी के दूसरे बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। वहीं पार्थ चटर्जी ने भी अब टीएमसी की मुसीबत बढ़ा दी है। पार्थ से जब पूछा गया कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। इसके अलावा पार्थ ने यह भी कहा कि अर्पिता मुखर्जी के घरों से जो पैसा मिला है वो उनका नहीं है। ऐसे में जांच के बाद ईडी कुछ और बड़ा खुलासा कर सकती है, जिससे ममता की पार्टी टीएमसी में हड़कंप मच सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।